ओके सो मंडे 15th में क्या स्पेशल एनर्जी है? मंडे 15th एनर्जी जो है वो एग्जॉशन, बर्न अप या डीप कंटेम्पलेशन और स्टैग्नेशन की एनर्जी बताता है. और यहाँ पर ये कार्ड बोलता है कि फोर ऑफ सोर्ड्स जो है वो आपको बोलता है कि नेक्स्ट चैलेंज लेने से पहले थोड़ा सा रेस्ट कीजिए. आप एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट माइलस्टोन पे पहुँचे हैं और इसीलिए आपको अपनी एनर्जीज को रिचार्ज करना है. नेक्स्ट फेज़ आपके लिए शुरू होने वाली है और आपको रिफ्रेश होकर रेडी रहना है आगे जाने के लिए. इवन इफ़ आप बहुत ज़्यादा हाईली प्रोडक्टिव है, ड्रिवन है, फिर भी अपने बिजी स्केड्यूल से कुछ टाइम लीजिए अपनी बॉडी को, माइंड को, अपनी एनर्जी को हील करने के लिए. कॉन्स्टेंट स्ट्रेस और टेंशन जो है वो बहुत बड़े बड़े लोगों को भी तोड़ देती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम जो आप रिफ्रेश अपनी एनर्जी को करने के लिए देते हो, कॉन्सेंट्रेशन और फोकस को बेटर करती है और आप नया चैलेंज ले पाते हो. अगर आप किसी भी टफ सिचुएशन से गुजरे हो, कोई ट्रॉमा है, कोई हेल्थ इशू है, कोई डिपार्चर है, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रेस है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये जो फोर ऑफ सोर्ड्स है ये साइन होता है जो बोलता है कि एक कदम पीछे लीजिए और अपना पर्सपेक्टिव जो है उसको दोबारा से रीगेन कीजिए और दोबारा से देखिए. तो मैं ऐसा बोलूँगी आपको कि आज के दिन, मतलब मंडे के दिन, आज के दिन 15th of May, आपने ध्यान रखना है कि आपने थोड़ा सा चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना है. हो सकता है आप हेल्थ वाइज या रिलेशनशिप वाइज या चीज़ों वाइज अचानक से थोड़ा सा बेहतर महसूस कर रहे हो और आप फटाफट भागने में लग जाएं, तो थोड़ा सा अपने आप को आराम देना है, रेस्ट करना है, रिफ्लेक्ट करना है, मेडिटेशन करनी है, हीलिंग ज़रूर करनी है, हीलिंग बिल्कुल नहीं भूलनी है. और किसी भी चीज़ में लेकर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो हो सकता है कि आप बिल्कुल एग्जॉस्टेड माइंडसेट से उसको देख रहे हो और इसीलिए आपको वो चीज़ उस तरह से समझ ना आ रही हो जिस तरह से आपको समझ में आनी है. तो एक कदम पीछे लीजिए, दोबारा से रिफ्लेक्ट कीजिए और फिर आगे बढ़िए और आपको बहुत अच्छा एक नया बिगनिंग जो है मिलेगी. ये हीलिंग की एनर्जी है अनडाउटेबली. तो मंडे का दिन जो है सेल्फ हीलिंग का दिन है, रिफ्लेक्शन का दिन है, अपने आप को एनर्जाइज करने का दिन है. और आज का दिन डेफिनेटली कोई एक माइलस्टोन जो है वो डेफिनेटली आप कंप्लीट करेंगे और उसकी खुशी जो है वो डेफिनेटली आप सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन खुशी खुशी में भागना नहीं शुरू करना है. नेक्स्ट माइलस्टोन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है पहले.